हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनुचल ब्लॉग्स। और गाइस, आज का जो रिएक्शन हम लोग लेकर आए हैं, भाई ट्रेंडिंग नंबर वन पे चल रही है वीडियो। दो तीन दिन हो चुके हैं वीडियो को, और वीडियो लाए हैं अनुभव सिंह बासी की, जिसकी ऑलरेडी हम दो वीडियो ला चुके हैं बहुत पहले, लेकिन ये वाली नई आई है तो इस पर रिएक्शन लेके आए। भाई रिएक्शन देना बनता है, क्योंकि भाई ये भी मेरे साइड गई है, ठीक है। तो भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले बताना चाहता हूँ, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, आपका कुछ लगेगा नहीं और हमारी फैमिली में एक बंदा जुड़ जाएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना जरूर नीचे। बाकी ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं नीचे जाके दे रहा हूँ, रिएक्शन देखना, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं ओरिजिनल वीडियो भी मतलब देख ली होगी आपने, अगर नहीं भी देखी होगी तो पहले हमारे साथ देखो। अगर आप प्रॉपर ओरिजिनल वीडियो चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करो और जाके देख सकते हो, वहां से भी देख सकते हो आप वीडियो। और स्टार्ट करते हैं वीडियो, चलो भाई। ठीक है, चलो सॉरी बहुत ज्यादा लग चुकी है, सुन लो। जब 12th खत्म करी ना तो मुझे बस मेरिट से बाहर आना था, मैं यहां नहीं रहना और अभी चेंज आ गया, बहुत टाइम बाद बोलने का ये ड्रॉप कर लो, मैं वहां दिल्ली जाकर यहां नहीं रहेंगे। तो दिल्ली आ गए, केएमसी में एडमिशन भी हो गया। तो सैम आया था मेरे एक दोस्त मेरिट से मेरे साथ, वो भी केएमसी में। हम दोनों ने एक पीजी में रूम ले लिया, काफी आलिशान रूम था, दो सिंगल बेड थे, अलमारी के नाम पे एक माचिस की डब्बी लगी थी दीवार माचिस की डब्बी यही होता है पीजी हॉस्टल सब में। और जो आर्किटेक्ट था ना उसका वो थोड़ा नशे में था, उसने दो दरवाजे बनाए थे, एक दरवाजा सड़क पे ही खुलता था तो अगर कभी जाने अनजाने में खोल दो तो स्कूटी में लग जाता था किसी के। आदमी बढ़िया जा रहा, भग जाए थे, गिर गया, किसी ने दरवाजा खोल दिया। तो हम उसे ज्यादातर बंद ही रखते थे क्योंकि हम भी नशे में रहते थे। तो उस कमरे में एक तरफ हम चाय बनाते थे, मोटा हो गए तो उधर एक बार चाय गिर गई थी, तो उसके ऊपर अखबार बिछा दिया था, तो अब जो हेडलाइन थी वो चिपक गई थी। तो न्यूज के नाम पे हम रोज ये पढ़ते थे कि गाजियाबाद में सरेआम कत्ल हुआ है। और हम रोज निकलते कहते गाजियाबाद में बहुत कत्ल हो रहे हैं। थोड़े दिन हम रहे, फिर हमने डिसाइड किया कि यार दारू पीते हैं। यार देखो मेरठ से निकलने का मेन पर्पस ये था क्योंकि मैं बचपन से अपने पापा को देखता रहा था कि शाम को इस आदमी को ऐसा कौन सा पदार्थ मिलता है कि ये खुश हो जाता है। मैंने कहा मुझे यही चाहिए। और दारू की जितनी बॉटल आई ना घर में, मुझे एक भी बॉटल हमने कभी फेंकी नहीं, तो सारी हम संभाल के रखते थे, क्यों पता नहीं, ये म्यूचुअली डिसाइड भी नहीं होता यार। वो बस आई, फिर हमने कहा क्या हमारी तो है। इसने मुझे सिगरेट भी पिलानी शुरू कर दी मीठी मीठी बोल के, मीठी मीठी बोल के भाई पी के देख मीठी मीठी लगेगी, पी के देखी मुझे लगी भी, मैंने कहा सही है। जितने लोग स्मोक करते हो ना पता होगा कि छोटी गोल्ड में से ना धुआं बहुत आता है, जो नहीं करते मैं बता रहा हूँ आप। हाँ ऐसे गूगल मत करने लग जाना, आता है वो, पता नहीं उसका हाथ कोई बीमारी है, वो पुरानी सिगरेट कभी खींच लेती है, पता नहीं क्या उसके साथ। तो ना कमरे में धुएं से बादल बना के और बस उसे बैठ के देखता रहता था। मैं पूछता था क्या कर रहा है, कह रहा भाई देख उसमें कुछ दिख रहा है। मैं क्या दिख रहा है, कह रहा देख एक कुत्ता दिख रहा है। मैं देखता, मैंने कहा हाँ दिख तो रहा है। फिर हम दूसरा बादल बनाते थे, फिर हम दोनों कुत्तों की लड़ाई कराते थे। तो ठीक चल रहा था हमारा, फुल ऑन एंटरटेनमेंट चल रहा था। फिर एक दिन हमने ऐसे डिसाइड करा कि आओ थोड़ी बहुत सफाई वफाई कर लेते हैं, हम निकले घर से कि थोड़ा सामान वान लेके आते हैं, बादल बना के कमरा बंद करके ताला लगा, सॉरी आपकी दुकान थी वहां कोल्ड रखा भाई, गेम क्यों आए थे, सिगरेट पीने लगे। फिर याद आया तो मैंने वाइपर लिया, तो इसने बोला कि वाइपर मत ले यार, रख दे वापस। मैं कह रहे वो कत्ल के निशान मिटाने ले, कत्ल के कह रहा कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा अपने आप। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो हमने बेसिकली हम कुछ लेने गए थे बिना लिए, थोड़ी देर में घूम घाम के वापस आ गए। तो हमारे यहाँ गैलरी थी, यहाँ वॉशरूम था, रूम से काफी दूर आर्किटेक्ट होगी उसकी कुछ दिक्कत, मुझे नहीं पता क्या वॉशरूम भाग के आया और वॉशरूम में घुस गया। तो मैंने कहा चाबी, कह रहा नहीं दे रहा, ये क्या फेटिश है कि मैं चाबी छिपा लूंगा अपने पास। मैं कहा भाई या तो मुझे भी अंदर ही बुला ले, मैं भी बाथरूम में आ जाता हूँ। तो कह रहे नहीं नहीं मैं चाबी नहीं दूंगा, जब तक मैं बाहर नहीं आता तो बाहर घूम। मैं कहा और अंदर कुछ नहीं कर रहा है, छप छप की आवाज आ रही पानी की, पता नहीं बाल्टी में चाबी ही डुबो रहा था। मैं कहा भाई दे दे चाबी, दो तीन बार मांगी नहीं दी। मैं कहा ठीक है बाहर में जा।
मुझे कुछ से कुछ काम है, मैं बाहर आया ऐसे थोड़ा सा ओपन एरिया था, उसमें ऐसे गोल गोल घूम रहा था, मैं ऐसे घूम रहा था तो मैंने देखा हमारे रूम के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ बैग टांग के, तो मुझे लगा ये सेल्समैन होगा कुछ बेच रहा होगा, तो मैंने कहा अरे टाइम पास तो मिल गया आओ इससे बख्शो दिखी जाए मैंने कहा भाई क्या बेच रहे हो, तो कुछ बोला नहीं, मैंने कहा बताओ ना क्या बेच रहे हो तो वो पलटा कहता तुम कौन हो, मैं कहा मैं कस्टमर बताना क्या कह रहा मैं सैम का फादर हूं ये तो कोई बेचने की चीज तो मुझे समझ नहीं आया रिएक्ट कैसे करते, मैं बस पलटा में चल दिया कह रहा कहाँ जा रहे हो, मैं कहा मैं कस्टमर ना कुछ खरीदने जा रहा हूँ मेरा सही से बता तुम करते क्या हो, मैंने कहा अंकल मैं ना पीछे डांस सिखाता हूँ वहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा है कहा मैं रियाज ही कर रहा था आप आ गए एकदम से ना थोड़ी दूर में भागा कह रहा एक सेकंड तुम अनुभव हो ना आप थोड़ी बात सीरियस होती जा रही है नहीं मुझे सैम ने बताया तुम्हारे बारे में और मैं ही सोच रहा हूँ अपने लड़के से स्केच बनवाता है क्या उस टाइम फोटो तो होते नहीं थे तो ये क्या दोस्त हाँ बनाओ शक्ल बनाओ यार देखो मैं भाग सकता था वहां से भागा नहीं लेकिन फिर मुझे एकदम से लगा कि आज क्या होने वाला है ये आदमी अभी वॉशरूम से आएगा ये अपना बाप देखेगा रूम में बादल बना के बोतल पड़ी हुई है तीनों मिलके कमरा देखेंगे और ये संसार तमाशा देखेगा बहुत प्यारा मैं इस मोमेंट को मिस तो नहीं करना चाहता नहीं भाग रहा तो मैं बता देते हम कौन दो बातें सुन रही हूं मुझे क्या डर था ये आदमी क्या कर लेगा वैसे तो है नहीं मुझे पीट देगा ज्यादा ज्यादा क्या मेरे घर पे फोन करो कर लो जो अभी टाइम हो रहा है मेरे पापा पक्का फोन उठा के बोलेंगे चीयर्स भाई साहब मुझे कोई लोड नहीं था मैंने पूरी कैलकुलेशन की अपने दिमाग में मैं कहा बता देते हैं मैंने कहा हाँ अंकल मैं अनुभवी मैं तो ऐसी मतलब थोड़ा मजाक कर रहा था आपसे उसका मुंह देखे बोलना नहीं चाहता कि उससे मजाक कर रहा था भाई बिल्कुल बाप मेरे पापा ना पापा हैं ये बाप कहते वो लड़के ने तो बचपन से बाप बनना चाहते हैं कि स्माइल नहीं करेंगे वरना औलाद पैसे मांग लेगी इतना सीधे कहते खड़े मैंने कहा चलिए अंकल मतलब मैं ही आप बताओ कैसे आप सैम का है अरे ये भी सही हो गया चलो मेरे अंकल ये पे यहाँ पे वॉशरूम में तेरा बुला उसको मैं गाभी बुलाते हैं मैं गया मैंने जाके गिर गया मैंने कहा बेटी आपके फादर आए हैं ये चमन चूतिया अंदर से बोला नहीं मिलेगी चाबी पता ही नहीं बेचारे बड़ी बड़ी रख लो चाबी आपके पापा आए हैं तो अंदर से कह रहा मेरे डैड जी क्यों आएंगे वो तो यही आदमी बता पाएगा मैं कहा भाई यहाँ एक शख्स है जो क्लेम कर रहा है कि वो आपके पापा है तो अब ये कंफर्म करने के लिए आप ही को आना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है इसको समझ ही नहीं आ रही है बात इसको लग रहा है मैं चाबी लेने के लिए अलग अलग बहाने बना रहा हूँ ये अपनी जोन में खुश है और ये कॉमर्स का था ना तो ये नया नया कूल बना था इसने कूल बनने के लिए दिल्ली आके कुछ लड़कों से दोस्ती करी थी और एमिनम सुनना शुरू किया था पर इसके लिए नहीं था वो मेरठ का लड़का एमिनम समझ रहे तुम वहां के लड़के अभी मेमोरी कार्ड को चिप बोल रहे हैं यार
चुप। मैंने से फिर से बोला, मैंने कहा बाटी। ये हंसता भाई, प्लीज मान जाओ आपके पापा आए हैं। अंदर से कह रहा है बडी लव द वे यू लाई। इसका गाना नहीं का। नहीं 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 अपने पापा का सब नॉट लाइंग। एक ही मिनट लगेगा बाहर आके चेक कर लेना। अलग फील में इतने अंकल आ गए कि हाँ चल क्या रहा है। अंकल आए, मैंने कहा अब पता है सारी गलती साथ भी खुद की, सब इनकी वजह से हुआ है। अगर ये उस दिन आके एक शब्द बोल देते तो वो लड़का सुन लेता, वो बाहर आ जाता, सब हो जाता। बाप है कैरेक्टर में रहना। यहाँ आके मुझसे कह रहे कि मैं बहन मम्मी हूँ, मुझसे क्यों बोल रहा हूँ। ये तो ना लड़का अंदर तुम्हारा, हाँ बोल दो ना। नहीं कुछ खड़े में बस शांति से। मैंने कहा बड़ी 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 आ गए। बड़ी ना सुन रहा। सब सच है। एकदम से इसका मेरठ ऊपर आया, एमिनेम नीचे चला गया। अरे गाली बज गई। और इसका पेशेंस लेवल खत्म हो गया। इसे लगा कि अब तो ये बहुत देर से बकचोदी कर रहा है, तो अब मुझे ऐसा जवाब देने का टाइम आ चुका है। इसने अंदर से इतनी बुरी बुरी गालियां देनी शुरू कर दी। इतनी बुरी बुरी की स्टेज पर तो मैं दे भी नहीं सकता। ऐसे गालियों का लूप चला और मैं सोच रहा हूँ ये वाली तो बहुत एस्केलेट कर दिया यार। और ऐसे चला 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 और एकदम से एक लाइन आई, और तुझे पता है मेरे बाप कितना बड़ा चूतिया है। देखो मैं इतनी रेंज में था कि थप्पड़ खा सकता हूँ। फिर मुझे लगा कि आप ये बकचोदी चलती रहनी चाहिए। तो मैंने कहा कैसे कैसे मैं भाई यार। कह रहा पता नहीं क्यों आता है दिल्ली। जब भी आता है एक आलू भुजे का पैकेट और चार लड्डू लेके आ जाता है। फिर मेट्रो स्टेशन से फोन करता है, मुझे मेट्रो स्टेशन जाना पड़ता है। कह रहा ये नहीं कभी मैं चार दारू ले आया। मैं अंकल आपके संस्कार है मतलब ये चल रहा है अभी भी। अब ये किसी और चीज को गाली दे रहा है जो हमें नहीं दिख रही है। अंदर ही कुछ है जिसे ही गाली दे रहा है। मैं कहा अंकल चले यहाँ से, आज का तो हो गया होगा, चले। सारी सुन के जाओगे क्या? इतनी दूर गए होंगे, वॉशरूम के गेट में ऊपर जगह थी, इसने ऊपर से चाबी फेंक दी। कह रहा ले तू भी क्या याद रखेगा। मैं याद रखूंगा। बड़ी एक बार बाहर तो आ। बड़ी बड़ी बानिया भाई। तुम क्या क्या याद रखोगे? अभी लेकिन मुझे एक डाउट हुआ कि यार जितनी गाली अंकल ने खाई ये आदमी अब ये नहीं देखेगा औलाद किसकी है। ये मानना चालू करेगा जो आएगा। मैं ऐसे महीने अब अंदर नहीं ले जाना चाहता था, क्योंकि मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा जो पिटाई का इवेंट था वो तो रूम ही था ना हमारा। तो उससे पहले इतना कुछ हो गया तो मुझे लगा इसे आ जाने देते तभी रूम दिखाएंगे, मैं नहीं जा रहा। अंकल कह रहे चाबी उठाओ। मैंने चाबी उठाई, उठाई खड़ा हो गया। कह रहा चलो। मैंने कहा हाँ चलने चलो। गेट के सामने जाके मैं खड़ा हूँ। कह रहे खोलो। मैं भूल गया कैसे खोलते यार। वो ताला भी ना 20-25 बार में खुलता था। मैंने उस दिन में चाबी लगाई, कट से खुल गया वो। ऊपर वाला तो साथ नहीं दे रहा। मैंने ताला ऊपर अटकाया, कुंडी खोली। मैंने कहा अंकल अब आप कर लो। अंकल ने गेट खोला, पहले तो बादल आए। बादल आ गए थे। वो दो जर्मन शेफर्ड अंकल के ऊपर से गए।
आदमी स्मोक नहीं करता, कह रहा ये क्या था, मैं अंदर आओ अभी तो बिजली भी कड़क रही है, आ जाओ। अंकल अंदर घुसे, सामने एक चेयर पड़ी थी उस पर कपड़े भरे थे, मैंने कपड़े हटाए, मैंने कहा अंकल यहाँ बैठ जाओ, बस बैठ रहो। बाप लाइट जलाओ, मैंने कहा लाइट नहीं आ रही। वो पुराना वाला स्विच बोर्ड लगा हुआ था, उस पर वो इंडिकेटर नहीं लगा रहा था, वो चल रहा था, कह रहा वो तो चल रहा है, मैं कहा ये इन्वर्टर चल रहा है, छोटा इन्वर्टर इतना ही लोड ले पाता। उठे लाइट चला दिया, मैं कहा इसमें आप अपने आप किया आपने जो किया, अब देख लो। आपने कमरा देखा, मैंने लाइव हार्ट अटैक आते देखा। उनका हाथ ऐसे दिल पे गया, मैं कहा ये मरेगा, मेरा नाम लेगा। तेरा मेरा नाम लगेगा, मना करा था ना मैं, तेरा मेरा नाम लगेगा, बैठो। बैठ, उन्होंने सारी बोतल देखी, तो पहले तो नहीं ये समझ में नहीं आया कि शराब पीते हैं कबाड़ी काम करते। बोतल इकट्ठी कर रखी, बॉटल देखी, और मतलब इतना जेन्युइन सवाल उनका कि पीते हो ना? देखा हाँ पीते। और देखा कि साफ सफाई देखी कितनी है, उठ के कमरे में घूमे, मैं उधर मत जाओ, कत्लो रखा वहां पे। उन्होंने देखा हमारा चाय वाय का एरिया, कह रहे अच्छा अच्छा ठीक। एक तो बाप लोगों को ना बच्चा उनका आर्टिस्ट है, उसकी कदर नहीं होती, आर्ट की कदर नहीं होती उन्हें। इतना सुंदर पिरामिड बनाया था हमने सिगरेट की डब्बियों से, तोड़ दिया। हम पंखा नहीं चलाते थे कि गिर जाएगा, आके तोड़ दिया वो। और डिब्बियां देखना सारी, उसमें से एक डब्बी उठाई, उसमें से आवाज आई, खोली तो उसमें बीड़ी थी। कह रहे तुम सिगरेट भी नहीं पीते। नहीं अंकल पीते हैं, ये रात को 2 बजे का इमरजेंसी वाला है, वैसे भी बहुत पैसे भेजते हो ना। भाई वो कैरेक्टर आदमी थे यार, वो सैम उनसे पैसे मांगता था ना कि ये वाली 2 बुक्स चाहिए, पैसे दे दो, तो वही वाली 2 बुक भेज देते थे। फिर हम दोनों पूरे मार्केट में बुक ले घूम रहे थे, कोई ले लो यार। हमारे तो कोर्स की भी नहीं है। अंकल ने देखा पूरा माहौल वाल, बैठ गए, अब वेट चल रहा है। मैं अंकल चाय पियो, कह रहा चाय पीते तुम लोग, मैं अच्छो दिखने की जरूरत, टॉन्ट मत मारो, पी नहीं है तो बता वरना। मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ, यहाँ पिटाई नहीं हो रही है। भाई इतने में हमारे बढ़िया बड़ी हमारे सैबिनम साहब, देखो इस लड़के को बिल्कुल नहीं पता है बाहर क्या हो रहा है, इसकी दुनिया कहीं और है। ये वॉशरूम से निकला, इसका ऐसे हाथ निकला, ये वापस बाथरूम में गया पानी के लिए, और वहीं से चला रहा, पापा माफ कर दो, कभी नहीं करो। अंकल कह रहे बुला के लाओ इसे, मैं कहा फिर मैं बुला के लाओ यार। अभी आया तो झपट्टा क्यों नहीं मारा आपने। तो मैं वापस गया, मैंने कहा बड़ी हो गया। मैं कहा देख लिया पापा ने, आ जाओ बड़ी ना, कुछ नहीं होता। बाहर आया, कह रहा भाई क्या होगा, मैं कहा मुझे क्या पता, तेरा बाप है भाई, मुझे तो बस देखना है, चल जल्दी आए रूम में। फैमिली वैल्यूज, भाई नहाती पहले पैर छू। मैं कहा अच्छा आशीर्वाद मिलेगा आपको। बैठा, अंकल ने कहा क्या है सब, कह रहा मैं नहीं करता। ये करता है अंकल ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा मैं भी नहीं करता। मकान मालिक का है सब। मीठी मीठी बोल के सिगरेट पिलाता है लड़का। बकवास कर रहा, मैं नहीं करता। भाई अंकल ने तो थोड़ी देर डांटा कि तुम तो ब्राइट स्टूडेंट हो, मैं कॉमर्स का ही। बेटा ये सब करने क्या जरूरत है, फलान ठिकाना, वो डांटे डांटे, मैं अब मारेंगे अब मारेंगे, कुछ मान नहीं रहे। उठे, खुद बाथरूम गए,
तुरंत वापस भी आ गए। इनका क्या चल रहा है इनकी फैमिली में, इन लोगों को सीधा सीधा टारगेट दिख क्यों नहीं रहा अपना। फिर आप बताए, फिर उससे बातें कर रहे हैं कि तुमने मतलब क्यों किया होगा ये बेटा, गलत चीजें हैं, और मेरी तरफ देख के कह रहे हैं लड़कों के साथ रहना छोड़ दो। मैं कहा छोड़ देना, अभी मुझे वो दिखा दो जो देखने के लिए बैठा। कुछ नहीं, मैं ऐसे घूम रहा, मैंने अंकल का बैग देखा तो उसमें एक आलू भुजिया रखी, चार लड्डू रखे। मैंने आज तो नहीं निकालेंगे, आज देख ले जाएंगे, आज तो इसे वापस ले जाएंगे आज तो। बात कर रहे हैं उसे करते करते उन्होंने आलू भुजिया निकाल दी। मैं कह रहे यार मूड खराब पिटा नहीं यार, अभी गाली खाई है, आलू भुजिया रख दी, चार लड्डू रख दिए। कह रहे बेटा सुनो, ये सब बिल्कुल बंद कर दो और वीकेंड पे मेरे उठाओ, तुमसे बात करता हूँ। बैग उठाया और चल दिए। ये क्या टाइम वेस्ट हुआ मेरा, ये तो मतलब इतने कैरेक्टर में थे क्यों आप, अगर आपको इतना ईजी काम नहीं आता तो। भाई वो चले गए। मैं कहा ये क्या हुआ यार, तेरे पापा तुझे मारते नहीं है? कह रहा भाई मेरे पापा तो मुझे वाइपर से मारते हैं। पता नहीं क्यों नहीं मारा। मैं वाइपर नहीं था। अच्छा वाइपर ही नहीं था। मैं कहा तो इसलिए मना कर रहा था क्या? अच्छा। कह रहा हाँ भाई बचपन से सिर्फ वाइपर से ही मारते हैं। ये अजीब फेटिश नहीं तुम्हारी फैमिली? बाथरूम से बहुत ज्यादा लगाव नहीं तुम्हारा? और किस चीज से नहीं कर रहे? नहीं बच गए भाई, वाइपर नहीं था। तो अब क्या होगा? कह रहा कुछ नहीं, वीकेंड पे मेरठ जाऊंगा और पापा के वाइपर लाएंगे, उसे तोड़ेंगे, उसके बाद आके देखूंगा। चल दिखा दियो भाई, ऐसा कर ली। फिर हम थोड़ी देर बैठे रहे, थोड़ा सैड हो गया ये। तो थोड़ी देर बैठे बैठे इसने बोला कि यार ऐसा तो नहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं? फिर 5-7 मिनट बाद हमें लगा कि क्या ही गलत कर रहे हैं। फिर 5-7 मिनट बाद हमें लगा क्या ही होता है गलत। जर्मन शेफर्ड बना, किसी के लिए गलत किसी के लिए सही होता है। तो हमारे पास एक और क्वार्टर पड़ा था, हमने वो निकाला, एक एक पैक बनाया, भुजिया आई थी, इसका यूज भी तो करना था। हमने भुजिया गोली अपने अपने बादल बनाए। हमारे कुत्तों की लड़ाई होने वाली थी कि अंकल वापस। भाई वो दुकान से वाइपर लेने गया था। उन्हें स्वीटी नाम के वाइपर से जो सूता है उसको अरे अंकल देखे भाई, अंकल लव द वे यू लाइक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और यार ये स्टोरी मैंने आपको सुनाई कि 10-11 साल पुरानी है, अब तो काफी ज्यादा चेंजेस आ गए हैं, हम लोग काफी ज्यादा मैच्योर हो गए हैं। लास्ट लॉकडाउन में साथ में थे और काफी मैच्योरली बताया हमने लॉकडाउन, आप लोग देख सकते हैं एक वीडियो में, मैं अभी दिखा रहा हूँ, देखो आप एंजॉय करो। थैंक यू। ये रहा चैलेंज था दूसरा भाई, खत्म हो चुकी है वीडियो। और कैसी लगी आपके वीडियो? कैसी लगी तो क्या ही पूछे भाई, अब पूछेंगे नहीं कैसी लगी, तुम बताओ खुद ही। बेहतरीन वीडियो थी, रिएक्शन प्लस वीडियो कैसी लगी है आप डिसाइड करना, कमेंट करके जरूर बताना। हमें तो वीडियो भाई बहुत आतंक लगी है, बहुत ही भाई वीडियो ऑलरेडी लंबी है तो बहुत ज्यादा बकवास नहीं करेंगे इसमें, ऑलरेडी बहुत हो चुकी है क्योंकि। तो कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को आप अपनी फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, प्लीज शेयर करना और सब्सक्राइब कर दो यार हमारे चैनल को जो भी नया है। और वीडियो लगी है एक नंबर, और जो वो वाला डायलॉग था ना कि हंस देगा तो पैसे मांग ले, बुक्स मंगाई ये दो, तो भाई तो कोर्स की भी नहीं है कोई, तो ले लो भाई। मतलब पैसे मांगो सामान मिल जाएगा ना, तुम्हारे पास भी देसी करते हैं क्या चाहिए, चीज जा रहे हैं एक नंबर वीडियो यार, मजे आगे वीडियो देखने में। और दूसरी बात ये कि भाई एक तो मेरठ से, हम भी मेरठ से, रहते कहाँ से बात है, दोनों के नाम ले लिए भाई ने यहाँ पे। और वीडियो आपको कैसी लगी? मुझे तो काफी अच्छी लगी, ये कमेंट करके बताना जरूर है दोस्तों, लाइक कर देना अच्छी लगी। और इस वीडियो में उम्मीद करते हैं कि आप बहुत प्यार दोगे, शेयर करोगे अपनी फैमिली के साथ भी, अपने फ्रेंड्स के साथ भी, और सब्सक्राइब करे भी नहीं जाना है हमारा चैनल भी और भाई का चैनल भी। अगर आप मतलब चाहते हो फैमिली के साथ शेयर करना तो ये कर लेना, कि इसमें एक आध गालियां अगर आप फ्रैंक हो तो कर लेना, वरना भाई ईयरफोन लगे खुद देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं गाली होता तो लूप बना दिया था, स्क्रीनशॉट बना दिया था, गाली दी नहीं थी तो कर सकते हैं शेयर। तो भाई चलो मिलेंगे हम आपको अपने नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय गाइस, गुड बाय, टेक केयर, गुड बाय बडी, गुड बाय।